परिसर में पुजारी ने नाबालिग लड़की के साथ की अश्लील हरकत। सेल्फी के चक्कर में नवाजुद्दीन का गला पकड़ खींचने लगा फैन। सौतेली माँ की हत्या के मामले में दामाद और बेटी को जेल। अब खबरें विस्तार से। माखन मंदिर परिसर में पुजारी ने नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत की है। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध माखन मंदिर स्थित अनादिकल्पेश्वर महादेव के पुजारी हेमंत दुबे वीडियो में नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहा है। महादेव मंदिर के पुजारी ने घटना को यह अंजाम दिया है। यह वीडियो के वायरल होते के बाद मंदिर में लोग पंडित पुजारियों और कर्मचारियों में इसकी चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की जा रही है। दुबे पुजारी को निलंबित कर मंदिर परिसर में प्रतिबंधित कर दिया गया है। सेल्फी के चक्कर में नवाजुद्दीन का गला पकड़ के खींचने लगा फैन। मुंबई बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड की शान, इसलिए इंडस्ट्री में उनके फैन फॉलोइंग भी शानदार है। लेकिन हाल में नवाज के फैंस का प्यार उनके गले में मुसीबत बन गया है। नवाज जब अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे तब सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे फैन ने उन्हें गले से पकड़ लिया। नवाज का बॉडीगार्ड जब इस फैन को धमका कर पीछे हटाने की कोशिश करने लगा तो फैन के साथ पीछे घिसटते चले गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सौतेली माँ की हत्या मामले में बेटी और दामाद को जेल। ग्रामीणों ने मोचरी के बाहर किया जमकर हंगामा। रुड़की इब्राहिमपुर गांव में सोमवार रात बेटियों और दामाद ने मिलकर विधवा माँ की हत्या कर दी थी। मंगलवार को यह और आरोपी बेटी दामाद को जेल हो गई है। वहीं दूसरी ओर शव के पोस्टमार्टम के विरोध में ग्रामीणों ने मोचरी के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें जानकारी दिए बिना ही शव का पोस्टमार्टम किया गया है। इस वजह से गुस्साए परिजनों ने शव लेने से इनकार करते हुए पुलिस और डॉक्टरों पर मिली भगत का आरोप लगाया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।